इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस काट आर। बच्चों क्वेश्चन नंबर टू हम लोग देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन है टेन पी। तो बच्चों एंगल टेन पी के लिए हमें सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है और उसके जो आर एंगल के सामने वाली साइड जो होगी हमारी बेस हो जाएगी, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता, तो हाइपोटेनस पी आर तो हमेशा सभी के लिए, सभी एंगल के लिए हाइपोटेनस सेम वही रहेगा। तो इन टाई एंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थियरम। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस का थियरम का सहारा लेते हैं, हेल्प करते हैं उसके। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा पी आर स्क्वायर, इसको हम क्यू पी स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करनी है तो हम राइट हैंड साइड में क्यू आर को रहने देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो पी आर स्क्वायर हो की वैल्यू दी गई है 13 का स्क्वायर और क्यू पी की वैल्यू दी गई है 12 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर करके इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो 169 और माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हम क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। क्यू आर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो अंडर रूट 25 का 5 होगा, हेंस द 10p इन माइनस काट आर। अब बच्चों काट आर की वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या होगा कि काट आर बराबर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, इसी का अपोजिट कर देते हैं। तो काट आर इज इक्वल टू काट आर इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। तो काट आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, तो इसका उलट जाएगा। तो बेस हमारा है क्यू आर तो क्यू आर की वैल्यू हमारे को 5 आ गई है। तो क्यू आर बेस, हाँ तो क्यू आर अपान क्यू पी। तो बच्चों इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, जब हम फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू आर की वैल्यू हमें मालूम हो गया 5 हो गया। तो क्यू आर हो जाएगा 5 अपान 12 हो जाएगा। इस तरह से हम दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो टेन पी माइनस काट पी, तो टेन पी की वैल्यू आ जाएगी 10p, तो 5/12 आ जाएगा 5/10, और टेन पी कॉट आर की वैल्यू भी 5/12 ही आएगा। क्यू आर 5 है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो क्यू आर अपान ये हो गया क्यू पी, तो 5/12। तो बच्चों इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया, हेंस टेन पी माइनस काट आर इज इक्वल टू क्यू आर अपान पी क्यू माइनस क्यू आर अपान पी क्यू। तो इस तरह से दोनों की वैल्यू सेम हो गई, 5/12 माइनस 5/12, इस तरह से इक्वल टू वैल्यू आ गई 0, क्योंकि दोनों चीज़ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से
हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपको यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू वॉच टू वीडियो।